हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस होगा बच्चों? ठीक है, तो सीधी बात अगर आप यहां पे करोगे तो बेस की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं? बेस की। अगर आप ब्रोंस्टेड बेस की भी बात करते हैं तो ब्रोंस्टेड बेस होता क्या है बच्चों? सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ब्रोंस्टेड ने जो बेस की डेफिनेशन दी थी वो क्या होती है। सो ए ब्रोंस्टेड लूरी बेस इज एनी स्पेसीज दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए प्रोटोन, जो कि क्या होता है, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ ए प्रोटोन। तो इनमें से कौन इजिली एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग किस तरीके से बताएंगे कि भाई यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है आपका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर आप इस लोन पेयर की बात करते हैं तो ये जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। क्या करेगा बच्चों? बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव रख देते हो आप, और यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ये इतना अच्छा ब्रोंस्टेड बेस नहीं है बच्चों। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी अगर हम बात करें, बी की बात कर लेते हैं, तो बी के केस में क्या है कि अगर आप इस लोन पेयर को देखोगे तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और इसी लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होता तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते, बट अब ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सभी आइटम्स अगर हम बात करें, सारे आइटम्स क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज है। बिल्कुल मॉलिक्यूल क्या है आपका, प्लेनर है बच्चों, बिल्कुल प्लेनर है। क्लोज लूप की फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो ये लोन पेयर तो बिल्कुल ही डोनेट होना चाहेगा ही नहीं, तो ये H पॉजिटिव पे बिल्कुल भी देखेगा नहीं H पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खराब क्या है, ब्रोंस्टेड बेस। तो बी ए अभी तक क्या है बच्चों, बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ए बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बी तो बिल्कुल बाहर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सी की बात करते हैं। सी के केस में क्या है कि बच्चों अगर आप इस नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज sp3 है। ये क्या है बच्चों, sp3 है। क्यों है sp3? कि अगर आप देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस में 1 लोन पेयर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर निकल कर आया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल के sp3 आ जाएगा बच्चों। ये चीज क्लियर है? तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या था, sp2 में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने के साथ क्या करती है, बढ़ती है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उतना ही ज्यादा लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या sp3 में था, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे जो एच पॉजिटिव होगा उस पर इजिली अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, सी सबसे ज्यादा अभी तक क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सी ए बी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ए भी बाहर हो गया। अब आते हैं डी की तरफ, तो डी के केस में क्या है कि भाई दो दो बेंजीन रिंग लग रही है, तो वो यहाँ पे भी जा सकता है तो लोन पेयर हमारा, और इधर भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो वो क्या होगा, एच पॉजिटिव पे इजिली अटैक नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा, वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, गलत है बच्चों। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।